अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के शुबे में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि ये किस टाइप के इंसान हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत फनी होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। कोई भी काम करते वक्त अपने आसपास जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कब क्या कारनामा हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। जैसे कि यहाँ देखें, ये भाई एक फंक्शन में अपने स्किल्स दिखा रहा था, जिसकी वजह से ये अंकल बड़े खुश हुए और इसको पैसे देने के लिए वहाँ आए, और फिर क्या हुआ देखें। यहाँ ये लड़की कूदते हुए स्कीपिंग के मजे ले रही थी, और फिर क्या हुआ ये देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों जहाँ कहीं भी चले जाएं, हमें कोई ना कोई टैलेंटेड लोग जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका टैलेंट देखकर लगता है कि अगर ये टैलेंट हिडन होता तो ही अच्छा होता। और वैसा ही एक टैलेंट इस लड़की के पास भी है, जो अपने पिछवाड़े से रिंग को गोल गोल घुमा रही है। जी नहीं है, डांस एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट मानना पड़ेगा। दोस्तों अगर लड़ाई किसी दोस्त की हो तो बीच में जाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ ये कुत्ता एक बिल्ली से लड़ रहा है और इसका दोस्त इसको इस लफड़े से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुत्ता है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जो कि आज इस बिल्ली से चांटे खाकर ही मानेगा। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये, पकड़ मेरे को। दोस्तों आजकल सभी को इंटरनेट पर ठुमके लगाकर फेमस होना है, जिस वजह से हमें ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं ठुमकेबाज लड़कियों में ये वाली लड़की भी शामिल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपनी पीठ दिखाकर ये लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, जिसकी वजह से इसकी वीडियो देखने वाले तो बड़े ही खुश हो गए होंगे, लेकिन एक सेकंड जरा ये नजारा भी देख लें जनाब। मूड खराब कर दी। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। अब जरा यहाँ इस टैक्सी ड्राइवर को देख, जो कि शहद की मक्खियों का छत्ता अपने साथ ही लेकर घूम रहा है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जिसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि इसके कस्टमर्स को ये मक्खियाँ काट सकती हैं। खैर हमें तो लगता है कि इस भाई ने खुद की सेफ्टी के लिए इस छत्ते को रखा है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों बचपन में आप लोगों ने बहुत से खेल खेले होंगे, लेकिन इस तरह का खेल कभी नहीं खेला होगा। ये खेल ऐसा है कि इन्हें इनके सामने रखी हुई चड्डियों को बिना हाथ लगाए पहनना है, और ये खेल पूरा करने वाले को प्राइस दिया जाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने कितनी मशक्कत की ये आप खुद देखिए। दोस्तों यहाँ ये लड़की गाड़ी को रिपेयर करने में लगी हुई थी, तो तभी इसके शैतान दोस्त ने इसके नीचे से कोका कोला रख कर इसमें कुछ ऐसा डाला कि आगे क्या हुआ ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ कुछ लोग इस जगह से चलते हुए कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक बंदा भागते हुए आता है और इस बेचारे के साथ कांड हो जाता है। यहाँ एक छिपकली एक फेंस में फंसी हुई होती है, और ये भाई साहब इसको देखकर इसकी मदद के लिए एक कटर लेकर फेंस को काटने लगते हैं, और जब इसको यहाँ से निकाल कर छोड़ा जाता है तो ये थोड़ा और आगे जाकर फिर से फंस जाती है। तेरे बाबा ऐसा रोने का नहीं, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल माने। ये देख रहे कैसे करता है, कैसे करता है, भारी मिस्टेक हो गया। अब हम आपको दुनिया के सबसे लकी बंदे से मिलवाते हैं, जिसे आप यहाँ देखें। ये भाई साहब इस लड़की को हक करने के बाद जब इस भाई को हक करने के लिए जाता है, तो तब इसकी किस्मत ही खुल गई। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों आजकल बच्चे भी काफी एडवांस हो गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें जो भी काम करने को कहा जाए ये आसानी से कर लेते हैं। यहाँ इस बच्ची को रोने की एक्टिंग करने को कहा गया, फिर देखें क्या हुआ। तुम रोना है हाँ, तुम रो जाना है, और उसके बाद आंसू निकाला है, आंसू निकालने से अब कितना रहेगा, 50 रुपया एक्टिंग करे हाँ, ठीक है। तुम क्यों ये करते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। हो गया बेस्ट।
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। अब तरह इस भाई को देखें जो कि मेट्रो में इतना बड़ा बैग लेकर पहुंच गया, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि इस भाई के पास कुछ ज्यादा ही सामान है, लेकिन ये बैग किसी और ही काम के लिए मंगवाया गया है। पहले तो ये इस बैग को खोलता है और बाद में इसमें बैठकर नहाने लग जाता है। लगता है आज ये जल्दबाजी में घर पर नहाना भूल गया था। क्या कर रहे हैं, मजाक है? तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।